नमस्ते सभी को, मैं ओम प्रकाश स्वामी बीएससी सेकेंड ईयर की फिजिक्स की क्लास के साथ फिर से हाजिर हूँ। आज अपन सेकेंड ईयर की क्लास में ऊष्मागतिकी की तीसरी यूनिट पढ़ेंगे, जो इससे पहले की क्लास में अपन ने शुरुआत की थी। इसके अंतर्गत आज अपन ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम पढ़ेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। जीरो वन नियम इससे पहले अपन ने लास्ट टाइम पे पढ़ा था, उसका स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार से था कि अगर दो सिस्टम आपस में तीसरे सिस्टम के साथ तापीय साम्य में, अगर कोई दो सिस्टम तीसरे सिस्टम के साथ अलग अलग तापीय साम्य में है तो स्वतः भी तापीय साम्य में होते हैं, ए और बी खुद भी तापीय साम्य में होते हैं। आज अपन पढ़ेंगे पहला नियम, जो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है कि अगर किसी सिस्टम को डेल्टा की ऊष्मा दे दी जाए तो वो डेल्टा की ऊष्मा दो भागों में टूटती है, उसके दो फंक्शन है। कुछ भाग तो क्या करता है, सिस्टम की आंतरिक ऊर्जा में बढ़ोतरी करता है, डीयू है सिस्टम की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। आंतरिक ऊर्जा का सीधा संबंध होता है तापमान से, एक विशेष अपवाद को छोड़ दें तो अधिकांश स्थितियों में क्या है, आंतरिक ऊर्जा बढ़ने पर तापमान में बढ़ोतरी होती है। केवल अवस्था परिवर्तन प्रक्रम है जिसमें आंतरिक ऊर्जा में बढ़ोतरी होने पर भी तापमान कॉन्स्टेंट रहता है। तो डी की ऊष्मा सिस्टम को दे दिए, डेल्टा की ऊष्मा सिस्टम को दी है तो उसका कुछ अंश आंतरिक ऊर्जा में बढ़ोतरी करता है और शेष जो बचा हुआ भाग है वो कार्य करने में प्रयुक्त होता है। डेल्टा डब्ल्यू किया गया कार्य है जिसको पी डेल्टा वी के द्वारा भी व्यक्त किया जा सकता है। तो यहां पर जो सिंबल है, यहां पर डेल्टा लिया है और यहां पर डी लिया है, इसका एक विशेष कारण है, बाकी बता दोनों ही परिवर्तन को रहे हैं, चेंज को रहे हैं। इसको डी लिखने का कारण यह है कि आंतरिक ऊर्जा है अवस्था फलन है, इस कारण इसमें सिंबल डी लिया है। ये केवल प्राथमिक और अंतिम, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करेगी, पथ पर निर्भर नहीं करती है। फर्स्ट और सेकंड, इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करेगी, चाहे पथ कोई सा भी हो, किसी भी पथ से सिस्टम अपना कार्य करे, आंतरिक ऊर्जा केवल प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करेगी। इसलिए इसका सिंबल अपन ने डी लिया है, बाकी डेल्टा अपन ने लिया है। अब ऊष्मागति के जो ये पहला नियम है, ये ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। इस पर आधारित कुछ प्रक्रम अपन ले लेते हैं। समदाबी प्रक्रम, समदाबी प्रक्रम में टी रहेगा कांस्टेंट, डेल्टा पी या डीपी है वो हो जाएगा जीरो, डेल्टा क्यू है वो डीयू प्लस पी डेल्टा वी के बराबर ही रहेगी, इसमें कोई चेंज अपन नहीं करेंगे। एक प्रक्रम अपन लेते हैं सम आयतनी प्रक्रम, इसमें v कांस्टेंट रहेगा, dv या डेल्टा v है, v में परिवर्तन है वो जीरो रहेगा, इसके लिए dq बराबर हो जाएगा du। एक विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि अपना फर्स्ट जो लॉ था वो अपने लिखा था dq बराबर du प्लस डेल्टा w, तो इसके लिए चिन्ह किस प्रकार से लेने वो मैं बता देता हूं। अगर सिस्टम को बाहर से एनर्जी दी जाती है तो डेल्टा क्यू पॉजिटिव होगा, और सिस्टम के द्वारा एनर्जी ली जाती है, सिस्टम खुद एनर्जी बाहर रिलीज कर रहा है, तो उस स्थिति में डेल्टा क्यू नेगेटिव होगा। अपन बाहर से एनर्जी देंगे डी क्यू या डेल्टा क्यू पॉजिटिव रहेगा। इसी हिसाब से सिस्टम की आंतरिक ऊर्जा में बढ़ोतरी होने पर, तापमान में बढ़ोतरी होने पर डी यू धनात्मक होगा, गिरावट होने पर, कमी होने पर ऋणात्मक होगा। सिस्टम अगर खुद काम करता है, जैसे सिलेंडर में भरी हुई गैस है और वो अपने आप प्रसारित हो रही है, तो डेल्टा डब्ल्यू पॉजिटिव होगा, पर अपन बाहर से कंप्रेस करेंगे, सिस्टम पर बाहर से कार्य किया जाएगा तो डेल्टा डब्ल्यू नेगेटिव होगा। तो समदाबी आयतन प्रक्रम पढ़ लिया अपन ने, सम आयतनी प्रक्रम अपन ने पढ़ लिया। उसके बाद नेक्स्ट है समतापी प्रक्रम,
आइसोथर्मल प्रोसेस, समतापी प्रक्रम में टी कांस्टेंट रहेगा, डेल्टा टी या डीटी जीरो होगा, तापमान का सीधा संबंध आंतरिक ऊर्जा से है, तो डेल्टा यू या डी यू है ये भी जीरो रहेगा। तो इसके लिए अवस्था समीकरण हो जाएगी डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा डब्ल्यू या डेल्टा क्यू बराबर पी डेल्टा वी। समीकरणों को वृहद स्केल पर बड़े पैमाने पर जब अपन लिखते हैं, समीकरणों को हल करते हैं, तो डेल्टा की जगह डी सिंबल ये अपन बहुतायत में काम में लेते हैं। केवल फर्क समझने के लिए डेल्टा और डी अपन ने इस स्टेटमेंट में लिखा है, अदरवाइज दोनों के मायने एक ही है। तो जब कैलकुलेशन वगैरह करते हैं तो अपन लिखते हैं डी क्यू बराबर पी डी वी, समतापी प्रक्रम के लिए डी क्यू बराबर पी डी वी। नेक्स्ट जो प्रोसेस है चौथा वो है रुद्धोष्म प्रक्रम। एडियाबेटिक प्रोसेस, तो इस प्रक्रम के अंदर क्या है, सिस्टम और सराउंडिंग में निकाय और उसके बाहर के वातावरण में ऊष्मा का किसी भी प्रकार से विनिमय आदान प्रदान नहीं होगा। नो एक्सचेंज ऑफ हीट अकर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, निकाय और परिवेश के बीच किसी भी प्रकार से ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा। तात्पर्य यह है कि डेल्टा क्यू या डी क्यू है वो कितना रहेगा, जीरो रहेगा। इसके लिए स्टेट इक्वेशन हो जाएगी डी डब्ल्यू बराबर माइनस का डी यू, मतलब सिस्टम खुद काम करेगा तो उस स्थिति में ये नेगेटिव चीज प्राप्त होगी, तापमान में गिरावट आएगी, और सिस्टम पर बाहर से कार्य किया जाएगा तो तापमान में बढ़ोतरी होगी। सिंपल सा एग्जांपल है, एक बंद थर्मस है जिसके अंदर कोई गर्म दूध या चाय या पानी भरा हुआ है, तो जब उसको बाहर से हिलाया जाता है तो अंदर भरे हुए द्रव के तापमान में आंशिक रूप से बढ़ोतरी होती है। कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यह प्रश्न भी आता है, क्यों, क्योंकि सिस्टम पर बाहर से कार्य किया जा रहा है तो डी डब्ल्यू नेगेटिव है, और नेगेटिव नेगेटिव ये हो जाएगा पॉजिटिव उस स्थिति में, डी यू पॉजिटिव का मतलब है कि तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। और इसी हिसाब से किसी विलगित सिलेंडर को जिसके अंदर गैस भरी हुई है उष्मारोधी रूप से प्रसारित होने दिया जाए, तो उस स्थिति में गैस खुद क्या कर रही है, काम कर रही है, तो उसके टेम्परेचर में क्या आएगी, कमी आएगी। एक छोटा सा एग्जांपल अपन देखते भी है कि साइकिल मोटरसाइकिल के वाल्व से अपन जब हवा निकालते हैं तो वो अपने को ठंडी महसूस होती है। एक आध एग्जांपल अपन देख लेते हैं समतापी और उष्मागति की है, सॉरी जो रुद्धोष्म प्रक्रम है उनका। समतापी प्रक्रम है उनमें तापमान समान रहता है, ऐसे प्रक्रम धीमी गति से होते हैं और तेज गति से होने वाले प्रक्रम है वो रुद्धोष्म प्रक्रम कहलाते हैं। समतापी प्रक्रम में क्या है, जो सिस्टम है और सराउंडिंग है उसके बीच में जो आवरण है या सिस्टम की जो दीवारें हैं वो उष्मारोधी नहीं होनी चाहिए, उष्मा की सुचालन होनी चाहिए। और रुद्धोष्म प्रक्रम में क्या है, सिस्टम की जो दीवारें हैं वो क्या होनी चाहिए, सुचालक होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।